जय हिंद दोस्तों, द गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी का, जो आज 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, आज मैं उसका सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। बिल्कुल 100% एक्यूरेट वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हैं। हमारे जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने गए थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, कॉल करके उनसे जानकारी लिया गया, किस तरह के सवाल आए थे, क्या क्या सवाल आए थे, तो हमें तीनों शिफ्ट का जानकारी मिला है। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि करंट अफेयर से कितना सवाल आ रहा है, साइंस से कितना सवाल आ रहा है और किससे कितना सवाल आ रहा है, करंट अफेयर कब से कब तक पढ़ें, कितना पढ़ें अब, और किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, जो भी चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करें। आइए तो शुरू करते हैं। पहले 17 अगस्त का, यानी आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का पेपर था, उसका एनालिसिस करते हैं। तो एनालिसिस में पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि किससे कितने सवाल पूछे गए थे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था? तो कौन सा था? कपड़ा मंत्रालय। जल्लीकट्टू त्योहार, ये आपको ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं दोस्त, हमने जो भी पढ़ाया है इसमें से 70-80% वही सवाल आए हैं। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है? कौन सा विटामिन मदद करता है? आपको कई बार पढ़ाए हैं कि विटामिन के, ये रेलवे बहुत बार पूछ चुका है, विटामिन के जो है थक्का जमने में मदद करता है। साथ में आपको ये बताया था बायोलॉजी में कि फाइब्रोजेन और ब्रिजेन जो होता है इसे मदद करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है MgOH का होल ट्वाइस, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये ध्यान रखिएगा। एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किसके पता लगाने के लिए होता है? एड्स के लिए। एलिसा कैसे लिखते हैं? E-E-L-L-I-S-A, एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, आपको पढ़ाया था बायोलॉजी में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया? तो कब किया गया? 1 अगस्त 2021 को किया गया। भारत का प्रथम लोकपाल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी पूछा गया था ये। प्रथम लोकपाल कौन थे? पूर्व न्यायाधीश जस्टिन पीसी घोष। कौन थे? पीसी घोष। पहली पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आपको ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। पेरियार नदी कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। ये सारे वही सवाल आ रहे हैं जो हमने आपको क्लासरूम में बताया था। नेक्स्ट सवाल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को, आपको पढ़ा था। कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, याद है? हाँ याद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था। कहाँ मतलब होगा, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? आपको नोबेल पुरस्कार पढ़ा चुके हैं। तो नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र में आपको बताया था दिमित्री मुटारो और मारिया रेसा। हमने कहा था, ट्रिक बताया था, जब दो मित्र में मारने और मराने के लिए रेस होगा, क्या होगा? रेस होगा। दिमित्र से याद रख, दो मित्र से याद रखना है दिमित्र, और रेस से याद रखना है रेसा। मारने मराने से मारिया, तो दिमित्र मारिया रेसा। हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0, क्योंकि नोबेल गैस होता है। क्या होता होगा? नोबेल गैस। तो नोबेल गैस का ऑक्सीकरण संख्या होता है? 0 होता है। आर राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी है? आर राधे राजेंद्रन कहाँ की बनी है? तिरुवनंतपुरम केरल की बनी है। पश्चिम के राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया लिखने में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। देखिए, सीएम या राज्यपाल से एक सवाल पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे सीएम या गवर्नर से एक सवाल पूछा जा रहा है। ओम का नियम फिजिक्स का सवाल है, V इक्वल्स टू आई आर। ओम का नियम कहता है
यदि किसी चालक तार का ताप अचर रखा जाए तो उससे प्रवाहित होने वाली धारा उसके छोरों के विभवांतर के समानुपाती होता है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता था, कॉन्स्टेंट आता था R। आयल ऑफ विट्रोल क्या है भाई, हुआ आयल विट्रोल H2S4 को बोलते हैं, आयल ऑफ विट्रोल। अनुच्छेद 231 संविधान का सवाल है, किससे संबंधित है ये, दो या दो से अधिक राज्य के संयुक्त हाई कोर्ट, संयुक्त हाई कोर्ट होते हैं उससे संबंधित है। 231 सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1930 में मिला था सीवी रमन को, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस क्षेत्र में मिला था, तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट, बाल साहित्य 2021 कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये 22 भाषाओं में दिया जाता हुआ। आइए वैक्सीन अगला सवाल देखते हैं, वैक्सीन मैत्री संबंधित था, वैक्सीन किससे संबंधित था, कोरोना के वैक्सीन से मालदीव, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश आदि मुहैया कराने के लिए ये कोरोना का जो वैक्सीन था इन देशों को प्रोवाइड कराना था, इससे संबंधित था वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री कौन कहाँ कहाँ, तो मालदीव, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। वर्तमान में सीएजी कौन है, सीएजी पूछता है याद रखिएगा, सोनाली सिन्हा प्रथम महिला सीएजी है, सोनाली सिन्हा। आत्महत्या की थैली खूब पढ़ाए बायोलॉजी में आपको, आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है, लाइसोसोम, किसे कहा गया है, लाइसोसोम। MIC गैस का पूरा नाम क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये वही गैस है जिसे रिसाव के कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, याद है 2 या 3 दिसंबर की रात में हुआ था 1984, है ना, 1984। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताए थे विटामिन डी किसे पाया जाता है, हड्डी में, तो कैल्शियम से याद रखना, कैल्सीफेरॉल। ये सारे पूछ चुके हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट के सवाल है दोस्त, तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकेंड शिफ्ट पे, सेकेंड शिफ्ट क्या, ये सवाल को डिस्कस करते हैं। सेकेंड शिफ्ट आइए, पहला सवाल चलते हैं, बसवराज बोमानाइल किस राज्य के मुख्यमंत्री है, देखिए मुख्यमंत्री से पूछ दिया ना, अभी कह रहे थे हम कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल से सवाल पूछेगा एक सवाल, तो कर्नाटक के हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, हम लोग पीएच मान निकालते हैं ना, तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आपको हम बताए थे कि पीएच कैसे निकालते हैं, तो पीएच की वैल्यू होती है H+ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन से निकाला जाता है, लॉग H+ हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है, आपको पढ़ाया था, नर्मदा, महानदी, महानदी और सोन नदी, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है, नर्मदा। कार्बन का अपरूप क्या है, हीरा, हीरा और ग्रेफाइट दो अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार सद्या ग्रुप को किस खेल के लिए दिया गया था, बॉक्सिंग के लिए, किसके लिए, बॉक्सिंग के लिए। सबसे बड़ा गुरु द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये टीचरों को दिया जाता है, शिक्षकों को दिया जाता है ना। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नदी द्वीप, आपको पढ़ाए थे ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली द्वीप, ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है, कहां पे हुआ, असम में, किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, विश्व की सबसे बड़ी माजुली द्वीप है, इसे असम सरकार ने एक जिला घोषित कर दिया है। मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था, 131वां था, ये पहला स्थान किसका था, नॉर्वे का था, ये आपको हम बता चुके हैं। अनुच्छेद 279A, देखिए एक संविधान का सवाल यहाँ आपको मिल गया, किससे संबंधित है, जीएसटी परिषद केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त मंच से संबंधित है। आइए अगला सवाल, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर, कितना, 182 मीटर। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है, सॉरी अनुच्छेद 51 किस भाग में आता है, तो भाग 4 का क, ठीक है, वैसे भाग 4 में लिखेंगे, 51 का ए जो आता है वो 4 के क में आता है, यहाँ पे 51 का ए लगा दीजिए। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, आपको पढ़ाए थे, कहाँ होगा,
नई दिल्ली में, ये आपका निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बगल में पड़ता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोवालमिन। आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुका है। ठीक है, बुझा हुआ चूना किसे बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। फ्लेमिंग के बाएं हस्त हस्त नियम में अंगूठा क्या दर्शाता है? बल को। आपको पढ़ाए थे कि तीनों को परपेंडिकुलर में अरेंज करेंगे। ठीक है, फोर्थ आपको बताए थे, याद रखिएगा, फादर मदर चाइल्ड, क्या रखना है? फादर मदर चाइल्ड। अंगूठा अगर फादर को बता रहा है तो जो पहली उंगली है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और दूसरी मिडिल उंगली जो है आपको करंट को बताएगा। राहुल गांधी किस लोकसभा से सीट चुनाव जीते हैं? वायनाड, केरल से जीते हैं। इनको दूसरा जगह से लड़े थे अमेठी से, जहां से स्मृति ईरानी ने इनको हरा दिया। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया किस लेंस से दूर होता है? अवतल लेंस। पढ़ाए थे निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? 280 का ए, 280 का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, मानिश राम लिखाएगा, मोहसिन राम लिखा गया है। मानिश राम जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है किस पहाड़ी से संबंधित है? आपको बताए थे मेघालय में तीन पहाड़ी है, गारो खाती जयंतिया, तो खाती पहाड़ी से जो के पास जो है मानिश राम के सबसे ज्यादा वर्षा होती है यहाँ पे। 19, क्लोरीन का सॉरी लोहे पर जंग लगना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स। तीन तरह का अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण, अवकरण और रेडॉक्स। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन, और जो दोगुनो होते हैं तो उसे बोलते हैं रिडॉक्स। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है होगा ये आपका, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 17 होता है, तो 17 को 2, 8, 7 में अरेंज करते हैं हम लोग। 2022 आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य में? हरियाणा में है। भारतीय संग्रहालय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1910 में लागू हुआ था। पॉवर्टी एंड अनविश्लेषण रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नरोजी। आपको जब हिस्ट्री पढ़ाए थे तो बुक में बुक से कराए थे, पॉवर्टी एंड अनविश्लेषण रूल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नरोजी। हाजी अली का दरगाह कहाँ है? मुंबई में। हाइड्रोजन परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया? गुना जिले में शुरू किया गया होगा। कर्नाटक का राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। कर्नाटक का राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। आइए नेक्स्ट, ये आपका थर्ड शिफ्ट का है, 17 तारीख थर्ड शिफ्ट को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को, ये भी है। पंचायती राज संशोधन किससे संबंधित है? किस और कौन सा संशोधन था? ये 73वां संशोधन था पंचायती राज। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने के लिए किसे चुना गया? शशि थरूर को। भूदान आंदोलन शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर किसके है? ये वर्क का ऐसा यूनिट है। किसका? वर्क, हिंदी में बोलते हैं कार। कार का ऐसा यूनिट क्या है? जूल, न्यूटन मीटर। किस प्रधानमंत्री को भारतीय राजनीतिक का भीष्म पितामह भी कहा जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत तगड़ा सवाल है, ये सवाल वाकई में थर्ड शिफ्ट वालों को रुला दिया है। नेक्स्ट, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं आएगा, ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी यहाँ पे नहीं आएगा। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। आसान सवाल है, के वेणुगोपाल राव का कार्यकाल कब बढ़ाया गया? बहुत तगड़ा सवाल है, 30 जून 2020 को कोरोना के समय में बढ़ाया गया था। उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है? आपको बताया था उपनिषद में उप का अर्थ होता है समीप या निकट।
समीप या निकट। ऊंट का गर्भकाल कितना दिन का होता है? बहुत तगड़ा सवाल है, 13 से 15 माह का होता है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करने से संबंधित है, 3 से 4। हाँ, इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन आता है, फिर क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने संबंधित। गोडुडा का युद्ध किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में हुआ था गोगुडा का युद्ध। आर्यभट्ट पुरस्कार द्वारा किससे दिया गया? सतीश रेड्डी। ये सतीश रेड्डी जो है तो वो आपका इसरो के साइंटिस्ट हैं। सांस अभियान के शुरुआत किसने किया? केशव रेड्डी सुधाकर ने किया था। हाल ही में भारत आए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? वेरिस जॉनसन। कौन थे? वेरिस जॉनसन। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2022 का विजेता कौन है? राफेल नडाल। दोस्तों, ये जो सवाल थे ये वो सवाल है जो मेमोरी बेस्ड सवाल है और सारे 100% एक्यूरेट सवाल है। होप सो समझ में आया होगा। कल हम थोड़ा जल्द लेकर आएंगे, आज थोड़ा लेट हो गया एनालिसिस करने में। आप देख पा रहे होंगे करेंट अफेयर के 5 से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं, साइंस से 6 सवाल पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री के कम सवाल पूछे जा रहे हैं। तो साइंस पे फोकस करिए, ज्यादा सवाल आ रहे हैं। करंट अफेयर पे फोकस करें, ज्यादा सवाल आ रहे हैं। और इसके अलावे आप जनरल चीजों पे पढ़ा करिए, जैसे ऊंट का गर्भकाल, यानी विविध कहा जाए तो विविध से सवाल पूछा जा रहा है। विविध से आपको 8 से 10 सवाल पूछा जा रहा है, तो अच्छा खासा है, इस पे ध्यान दीजिए। खेल स्पोर्ट्स से सवाल आ रहा है, 1 सवाल। सीएम और राज्यपाल से 1 सवाल आ रहा है। इन सब चीजों को ध्यान देते चलिए, कल फिर मिलेंगे कल के एनालिसिस में। होप सो अच्छा लगा होगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए एनालिसिस के साथ, 18 तारीख के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।